1948 में आज ही के दिन सिलोन कहलाने वाले देश श्रीलंका ब्रिटिश सत्ता से आजाद हुआ था। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर भारत का विभाजन किया, उसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सिलोन और बर्मा को भी अलग कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद श्रीलंका को अंग्रेजों के राज से आजादी मिली। 1951 में डॉन स्टीफन भंडारनायके श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री बने। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन ही था। आजादी के समय तक चाय, रबड़ और नारियल इस प्रायद्वीपीय देश से निर्यात किए जाने वाले तीन प्रमुख उत्पाद थे। 1974 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस का निधन हुआ था। बोस को क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। क्वांटम फिजिक्स में उनके अनुसंधान ने बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सिद्धांत की आधारशिला रखी। भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसॉन और फर्मियान। इनमें से बोसॉन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। 1956 से लेकर 1958 तक बोस शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसके बाद 1958 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए और राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किए गए। भौतिक विज्ञान में बोस की उत्कृष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1974 में आज ही के दिन मशहूर फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का जन्म हुआ था। बॉलीवुड में उर्मिला ने बोल्ड अभिनय से बिंदास अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। उर्मिला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर फिल्म कलयुग से की, जिसके बाद 1991 में फिल्म नरसिम्हा से उन्होंने लीड हीरोइन की तरह काम करना शुरू किया। फिल्म भूत और रंगीला में उनकी अदाकारी को लोगों ने खूब सराहा। 1999 में आई फिल्म कौन और फिर प्यार तूने क्या किया में उर्मिला का किरदार पूरी तरह से नेगेटिव था। प्यार तूने क्या किया के लिए उर्मिला को बेस्ट विलन के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। 1998 में आज ही के दिन उत्तरी अफगानिस्तान के ताखर प्रांत में आए भूकंप में हजारों लोगों की जानें चली गईं, तो वहीं काफी लोग बेघर हो गए थे। इसके साथ ही भूकंप पीड़ितों को ठंड की दोहरी मार भी झेलनी पड़ी थी। यह इलाका मध्य एशिया के ताजिकिस्तान के नजदीक है। उत्तरी अफगानिस्तान पर काबिज नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता ने बताया कि भूकंप के बाद शुरू किए गए प्रयासों में 3500 शव बरामद किए गए। काबुल पर काबिज तालिबान के मुताबिक इस घटना में 3230 लोग मारे गए। बाद में अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्था मेडसे सॉफ एंटीआई ने पुष्टि की कि भूकंप प्रभावित इलाके में कम से कम 4000 लोग मारे गए और कई गांव तबाह हो गए। भूकंप के वक्त नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच युद्ध चल रहा था। हालांकि दोनों पक्षों ने खुद युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन लड़ाई नहीं रुकी, जिसकी वजह से प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और 2010 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का उद्घाटन किया गया था। इमारत का निर्माण 21 सितंबर 2004 को शुरू हुआ था। यूं तो इमारत का बाहरी ढांचा अक्टूबर 2009 में बनकर तैयार हो गया था, पर इसके अंदर का काम 2010 में पूरा हो सका। इस इमारत को बनाने में $1.5 अरब का खर्च आया था। इमारत को बनाने की परियोजना के शुरू होते ही दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई। दुबई की अर्थव्यवस्था कर्ज के भंवर में फंस गई और ऐसे हालात आ गए कि दुबई को अपने अमीर पड़ोसी अबू धाबी से $1 अरब की आर्थिक सहायता लेनी पड़ी। अबू धाबी की इसी मदद के चलते इस इमारत का जब उद्घाटन हुआ तो इसका नाम अबू धाबी के शासक खलीफा बिन जायद अल नाहयान के नाम पर बुर्ज खलीफा कर दिया गया।